पानी गर्म हो गया है, इसमें पालक ऐड करते हैं। अभी मैंने काफ़ी सारा पालक लिया है यहाँ पे, इसको तुरंत हम इसमें अभी बॉईल करेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने अदरक, पनीर, प्याज और दो मीडियम साइज़ टमाटर, और इसको ठंडा पानी में पालक को भिगो दिया है। अब इसका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे और अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गर्म हो गई है, इसमें अभी हम ऐड करेंगे सबसे पहले घी। पहले थोड़ा सा, दो चम्मच मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डालूंगी तेल, और तुरंत हम इसमें ऐड करेंगे हींग, पिंच ऑफ हींग इसमें, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा 1 टीस्पून। इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड हमारा जो जिंजर। जिंजर फ्राई हो गया, इसमें अनियन ऐड करेंगे हम लोग तुरंत। पालक प्यूरी बनके रेडी है। मसालों में मैं खाली यहाँ पे जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और हींग यूज़ करूँगी, और धनिया पाउडर। इसको अच्छे से हम अभी ऐड करेंगे रेसिपी। ऐड करेंगे टमाटर, मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। बस इसको अभी फ्राई करेंगे और इसमें प्यूरे ऐड करेंगे और फिर अच्छे से पालक को पकाएंगे 10 से 15। साग बन रहा है, तब तक हम चलिए थोड़ा पनीर इसमें फ्राई कर लेते हैं। आज मैं इस रेसिपी के लिए 200 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी पनीर आपके घर पे अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। पनीर ऐड करते हैं अभी। साग हमारा बन के रेडी हो गया है और इसको लो फ्लेम में फिर से पकाएंगे 15 से 20 मिनट, जब तक ये पनीर इसमें अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। सुंदर कलर बन के आया है, देखिए। विंटर में अगर ये सब चीज़ें नहीं खाया आप लोगों ने तो विंटर का मज़ा कैसे आप लोग इन्जॉय करेंगे। बढ़िया सा साग और पराठा बनाइए, नान बनाइए और उसके साथ खाइए। ये बनके तैयार हो गया, इसमें अभी हम ऐड करेंगे गरम मसाला और चलिए इसको अभी हॉट हॉट सर्व कर। ये तो बनके तैयार हो गया है दोस्तों, और आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया साग बनके रेडी हुआ है। तो अगर आप लोगों को सेम रेसिपी बनानी है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने घर पे ज़रूर बनाइए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग निक्की का खाना खजाना। बाय बाय।